उनको सवाल करेंगे। आप देख रहे हैं अक्सर न्यूज सिल्लोड प्रेस रिपोर्टर शेख अपरार के साथ में, हमारे साथ में मौजूद हमारे संपर्क मौजूद है और यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए आए थे, मगर हमको दिखा एक कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे मुफ्त में लस्सीकरण किया जा रहा है राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की ओर से और इनके कुछ ज्यादा चाहने वाले जो है तो यहाँ पे मौजूद है नगर सेवक हमारे भाई, जो उनसे हम जानने हैं कि आप दो शब्दों में सवाल करें। आज भारत पेट्रोल पंप हा परिसरामध्ये या ठिकाणी सत्तासाहेब यांच्या आदेशाने आणि आपल्या सिल्लोड नगरीचे उपनगराध्यक्ष युवकाची प्रेरणा स्थान अब्दुल समीरजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण शहरामध्ये शहरामध्ये सर्वच्या तालुक्यामध्ये म्हणजे महामारीमध्ये किती लोक त्रस्त झालेले होते गेल्या दोन वर्ष, म्हणजे सर्व तालुक्यामध्ये जे कोरोना नामक बीमारीने हाहाकार माजला होता त्याच्यामध्ये बरेच लोक जे आपल्या आपल्याबरोबर राहत होते ते आज आपल्याकडे आपल्याबरोबर नाही आहे, ते दुनिया सोडून गेले, त्याचा कारण एकच होता का ते लोकांनी वापरलेली लापरवाही, लोकांचा दुर्लक्षपणा आणि हा जो वैक्सीन आहे हा वैक्सीनच्या घेण्यामध्ये जे दीर्घायू वापरत होते त्याच्यामुळे ते लोक आपल्यातून निघून गेले, परंतु त्याचे काही प्रमाण नाही, आजूकी काही लोक हा वैक्सीनपासून वंचित आहेत, तर याचे पूर्व दक्षता म्हणून जे या ठिकाणी म्हणता येईल की तरी तरी महाराष्ट्रामध्ये किंवा संपूर्ण सर्व देशामध्ये डिस्ट्रिक्टली पाऊस उचललेलं आहे शासनानं, का जर आपण लोका जर वैक्सीन नाही घेतलं तरी तुम्हाला जे भेटणारी सुविधा आहे गव्हर्नमेंटकडून सरकारकडून पेट्रोल असतील राशन असतील किंवा अजून जी काही शासकीय योजना आहे हा योजनेचा जर तुम्हाला भविष्यामध्ये लाभ घ्यायचा असेल तर आपण लवकरच लवकर आपल्या परिवारचा आपल्या कुटुंबाचा आपले नातेवाईक असतील आपले मित्र असतील हे सर्वांना वैक्सीन घेण्याचा आपण भाग पाडावा आणि शासनाला सहकार करावा अशी सूचना शासनाकडे देण्यात आलेली होती, त्याची पूर्व तयारी म्हणून आज हा भारत पेट्रोल पंप या ठिकाणी आमचे नर्स असतील डॉक्टर असतील जे काही या ठिकाणी आलेले आहेत हे सर्वांना या ठिकाणी प्रत्येकाला म्हणजे त्यांच्या त्यांना भावनिक करून त्यांना काळजीपूर्वक म्हणजे लोक एकाच वेळेत असं म्हणतायत ज्यांना नाही बी घेतलं असेल तर मॅडम हा हो मॅडम आम्ही घेतलं हो डॉक्टर साहेब मी घेतला, परंतु त्या लोक प्रेस रिपोर्टर शेख अपरार के साथ में मैं सिल्लोड शहर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, हमारे साथ हमारे भाई हमारे एक दोस्त नगर सेवक मोहसिन भाई रईस भाई नगर सेवक यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे कुछ बातें जानना चाहूँगा। आप यहाँ पे सिल्लोड शहर के अंदर हर एरिया के अंदर लसीकरण का काम चालू है, जो लोगों ने पहला डोज ली थी उनका दूसरा लेना चालू है, जो लोगों ने नहीं लिए उनका भी काम चालू है। हर पेट्रोल पंप के ऊपर बैठ के हम यहाँ पे हमने कैंप लगाए, आमदार अब्दुल सत्तार साहब का और अब्दुल समीर साहब का जो आदेश है उसको हम पालन कर रहे हैं और हर एरिया में घर घर जा के उनको लसीकरण दे रहे हैं, जिन्होंने पहला ले नहीं लिए उनको दे रहे हैं, जिनका दूसरा होगा उनको भी दे रहे हैं, और पेट्रोल पंप के ऊपर बैठ के यहाँ पे जो है तो यहाँ पे रुक के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, अगर जिसने नहीं लिया लसीकरण हम उसको यहाँ पे लसीकरण देने का काम चालू है। अब्दुल समीर साहब के मार्गदर्शन मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, कहीं पे ऐसा है क्या लसीकरण लेने वाले को कोई तकलीफ हो रही क्या, उससे भी जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूँ। अभी तक तो किसी की तकलीफ हुई नहीं, और ऐसा पहले जिसके पहले भी हमने लसीकरण जो पहला डोज दिए थे उसमें भी अभी तक कोई शिकायत नहीं, अभी दूसरा जो डोज दे रहे इसके अंदर भी कोई शिकायत नहीं है, और जहाँ जहाँ लसीकरण दे रहे वहाँ हमारे पास में डॉक्टर लोग मौजूद है, ऐसा कुछ होता है तो हम उसको फौरन हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और लसीकरण लेना अच्छी बात है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं, जो बीमारियाँ से दूसरे बीमारियाँ जो आ रहे हैं उससे बचने के लिए हम यहाँ पे हमारे भाई के पर्ची के ले चुके हैं, अब यहाँ पे जो लसीकरण लिया है जिन्होंने उनसे हम जान लेंगे कि आपको लेने के बाद में कैसा महसूस हो रहा। आप भाई दो मिनट आ सकते हो बात, ये है जो ऐसा भी महसूस हुआ नहीं है, तो अभी हमारे गिराने के लोग राज्य मंत्री लिखे हुए लोगों की जो है तो लोगों का अच्छी क्या आपको जो
तो पहला डोज लिया कि दूसरा डोज लिया? पहला लिया, कोई लोगों ने दूसरा लिया। अच्छा, आपने पहला लिया दूसरा लिया? मैंने पहला लिया। आपको कैसा महसूस हुआ इससे? कुछ रिएक्शन उसने कुछ नहीं, गोली दे दिए तो गोली भी खाने का। अच्छा, इससे कोई तकलीफ नहीं? दर्द नहीं हुआ कुछ नहीं क्या? आपने ऐसा, आपको ऐसा मालूम पड़ा कि गांव के अंदर किसी को थोड़ी बहुत तो ताप ये आपको कुछ नहीं? अच्छा, आप दूसरा लेने के लिए मौजूद हो? भाई बना अभी टाइमिंग बाकी है। अच्छा, भाई बना बाकी ये इधर आप यहाँ पे जो वैक्सीन का कार्यक्रम रखा गया है जैसे कि नंदा सत्तर का नाम दिया जा रहा है और सरकार के आदेश अनुसार यहाँ वैक्सीन ले रहे लोग, मगर आप आज का जो टारगेट है आपको दिया गया है वो उस टारगेट के अनुसार कितने वैक्सीन आपने दिए यहाँ पे और कितने वैक्सीन बाकी देना? सबसे पहले तो मैं आंध्रा की सरकार से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जो मुहिम है टीकाकरण की जो मुहिम है उन्होंने चालू करी है और अभी तक हमने यहाँ पर जो 80 से 90 वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीनेशन कर चुके हैं और लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग अभी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लोगों के अंदर जो पहले अफवाह फैली थी वो अफवाह लोगों के अंदर नहीं रही और मैं तो उत्पादन एक गुजारिश करूँगा अपने हमारे मुस्लिम लोगों से कि अपने अपने घर पे घर के बाहर निकले और पहला डोज और दूसरा डोज लेने की कोशिश करें। तो ये जो है तो पहला डोज जो लिया गया है बहुत लोगों ने पहले ले लिए और जो लोग डर रहे थे पहला डोज लेने के लिए उन्होंने तो ले लिए, मगर अब दूसरा डोज उनके दिल में ऐसी शंका है कि दूसरा डोज आया कि नहीं आया, कि वही डोज हमको दिया जा रहा है बार बार, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? मैं तो ये नगर पालिका से एक अपील करूंगा कि डोर एक्टिविटी नगर पालिका ने चालू करी है और जो लोगों के अंदर जो अफवाह जो फैली है वो लोगों के अंदर अफवाह नगर पालिका ने दूर करना चाहिए, मैं ये दरख्वास्त करूंगा। जो लसीकरण का कार्यक्रम रखा गया है फ्री में मुफ्त में अच्छा है, आप भी लोग लेने के लिए बाकी है वो दस।